इज एम आर येट टू वोज वू हैज हैव ये टू हैड ये टू तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए होंगे आपने देखिए जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं येट को लेकर आई थिंक वो आपने कहीं ना कहीं पर अपनी लाइफ में अभी तक देखे ही होंगे किसी आर्टिकल में न्यूज पेपर में आपने ये स्ट्रक्चर्स देखे ही होंगे ठीक है तो येट को लेकर जितने भी सारे यूजेज है जितने भी सारे कन्फ्यूजन है कहाँ पर यूज होते हैं कैसे यूज होते हैं कौन से टेंस में यूज होते हैं वो सारा का सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे देखिए सिंपल इंग्लिश तो हर कोई जानता है ठीक है सेंटेंसेज आई थिंक जितने भी लर्नर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं सबको सेंटेंसेस बनाने आते होंगे जो कि हम टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं लेकिन बात यह है जब हम सिंपल सेंटेंसेज अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं या फिर अपनी राइटिंग स्किल में यूज करते हैं तो उतना इंप्रेसिव नहीं होता वहीं अगर हम कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स को याद कर लेते हैं तो रूल को मेमोराइज कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो हम अपने कन्वर्सेशन को हम अपनी राइटिंग स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि बेसिक इंग्लिश से हम थोड़ा सा एडवांस की ओर चलेंगे और देखेंगे सारे के सारे ये टू के यूज़ को वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा सारा, सारा का सारा कंफ्यूजन सारा का सारा जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर होने वाला है आपका हेलो एवरीवन आई एम आरती वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स बिगिन द वीडियो सबसे पहले आप ये टू के हिंदी के मीनिंग को देख लीजिए तो शायद इसको समझ पाना और भी इजी हो जाएगा आपके लिए देखिए का मीनिंग होता है अभी तक, right? इसका हिंदी में मीनिंग होता है अभी तक जिन सेंटेंसेस में अभी तक तो यूज होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं जैसे कि मुझे ये किताब पढ़नी थी लेकिन मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा मीन्स मुझे करना था ये काम लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया तो उस सेंस में जब हम बात करते हैं तो हमें यूज करना होता है येट का और सेकेंड बात जो आपको याद रखना है इसमें वो ये है कि ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के सेंटेंसेस में ये यूज होता है फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकेंड इंटरोगेटिव ये फैक्ट भी याद रखने लायक है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा एंड इंटरोगेटिव में यूज होगा वन मोर फैक्ट जो कि आपको याद रखना है ये रखना है कि ज्यादातर 90% परसेंट कैसे में इसे हम टेंस में यूज करते हैं राइट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है या फिर पास्ट का भी हो सकता है राइट right? तो तीन फैक्ट जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा राइट इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा और परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करेंगे कैसे देखिए मैंने यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, वो ध्यान से देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव नॉट रीड द बुक येट इट मीन्स इसका मतलब इसका मीनिंग ये है कि मैंने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी मीन्स देखिए काम पेंडिंग है यहाँ पर सेकेंड देखिए ही हैज नॉट कम्प्लीटेड द वर्क येट यानी कि अब किसी को कुछ काम करने के लिए बोला गया हो और हम फिर रिपोर्ट करते हैं कि उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया तो अभी तक की सेंस निकल के आ रही है और मैंने आपको बताया कि येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगेगा नेक्स्ट देखिए दे हैव नॉट वॉच दिस मूवी ये किसी मूवी की बात हो रही है और उनको देखनी थी लेकिन अभी तक उन्होंने ये मूवी नहीं देखी दे हैव देखिए आप तीनों सेंटेंस में ये देखिए ये भी परफेक्ट टेंस का है ये प्रेजेंट परफेक्ट है दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पास परफेक्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं ठीक है उन्होंने अभी तक यह मूवी नहीं देखी थी तो अगर हमें पास का बनाना हो तो हम यहाँ पे हेड का यूज कर सकते हैं तो फर्स्ट वाली ये थी कि हमने इसको परफेक्ट किया second thing ये है कि ये sentence के हमेशा लास्ट में यूज हुआ तीनों सेंटेंस हमें ये पता चल रहा है कि काम पेंडिंग है जिन भी सेंटेंस में यट का यूज होता है इसका मतलब ये है कि काम पेंडिंग है वो काम होना था लेकिन हो नहीं पाया कुछ ऐसे रीजन रह गए होंगे कि वो काम पूरा नहीं हो पाया ठीक है तो इस ये तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब और सेकंड वन थिंग कि यहाँ पे सारे के सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है ये भी आपने नोट किया तो तीन चीज़ आपने नोट कर ली होगी तो ये तो सारे एक सिंपल से वे में हमने येट को यूज़ किया जब आपको एक सिंपल तरीके से ऐसे येट का यूज करना हो तो ये अब देख लेते हम इस ये सारे स्ट्रक्चर को कि हम इनका यूज़ हम कैसे करेंगे अब हम इनके यूज़ को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इज आर एम के साथ में यक टू यूज़ करना है वोजर के साथ में यक का यूज़ करना है इनका सबका यूज़ करना है तो देखिए इन सब के यूज़ को समझने से पहले आप वन थिंग समझिए जो कि मैंने बेसिक में भी आपको बताया था सबसे पहले आप यूज़ समझिए इज आर एम टू इज आर एम एंड टू ये किन सेंटेंसेस में हम इज आर एम टू का यूज़ करते हैं या फिर वोज एंड वर टू का यूज़ करते हैं आई थिंक ये आपको पता ही होगा बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूं आपको देखिए जिन भी जब हमें किसी काम को करना है ना जब हम किसी काम को करना है तो तब हम में एंड वो का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम टू टीच आई एम टू टीच मीन्स मुझे पढ़ाना है तो क्या करना है मुझे पढ़ाना है जब हिंदी के सेंटेंस में वर्ब में नानी ने लगा हुआ आ जाए तो तब हम इज आर एम टू एंड वोज वर टू का यूज करते हैं तो ये क्या हो गया आई एम टू टीच मुझे पढ़ाना है या फिर अगर मैं यहाँ पे ये भी कहूं टू आर टू गो देयर यू आर टू गो देअर मीन्स आपको वहां जाना है तो देखिए यहाँ पे भी वर् में नानी ने मींस वर्ब से पहले हमें टू का यूज करना होता है एंड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्मी आती है ये भी आपको पता होना चाहिए अगर मैं इसमें पास्ट की बात करती हूँ देखिए यहां पे हम हैड या टू का भी यूज कर सकते हैं कैसे मैं ये भी कह सकती हूं ही है, तू इट, उसे यह है करना था। थोड़ा सा कोई भी डिफरेंस नहीं है आप चाहे तो इज आर एम टू का यूज कर लीजिए वर टू का यूज कर लीजिए या फिर इनकी जगह पे आप हैज टू हैव टू विल हैव हैव टू टू यूज विल है तो तो फ्यूचर हो जाएगा हैड टू का भी यूज कर सकते हैं पास्ट में ठीक है तो इस तरीके से जब किसी काम को करने की बात होती है ना है राइट करना है कोई भी काम मुझे वहां जाना है आई एम टू गो देयर तुम्हें ये करना है यू आर टू डू इट ठीक है मुझे आ, आ, कुछ सामान खरीदना है आई एम टू बाय समथिंग ठीक है इस तरीके से जहाँ पे करना हो कोई काम वहां पे हम इनका यूज करते हैं अब वन थिंग तो ये तो हुआ इज आर एम टू एंड वर टू के यूज को मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जहाँ पे आप इज आर एम टू का कर यूज करते हो वहाँ पे आप हैज़ टू हैव टू का भी यूज करते हो तो माइनर से डिफरेंस होता है बस डिफरेंस इतना होता है का यूज़ है, तो वो काम ऑलरेडी प्लान होता है कि मुझे मार्केट जाना था, तो क्या करना है तो जब मैंने प्लानिंग की हुई है तो, हुई है, तो मैं सामने वाले को बता रही हूँ मुझे तो मार्केट जाना है या मैंने पहले से प्लानिंग की थी कि मुझे अब पढ़ना है तो मैं वहां पर बता रही की मुझे पढ़ना है क्या करना है मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ाना है तो जब प्लानिंग होती है काम की तो तब हम इज आर एम टू एंड यूज करते हैं देख लेते हैं हम इन सब के यूज़ को कि हमें ये टू का यूज़ कहाँ पे करना है तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम इज आर एम टू का यूज़ करते हैं तो, तो वहां पे सेंस निकल के आते हैं कि कोई काम करना है बट जब हम टू का यूज़ करते हैं इज आर एम के साथ में टू का यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं मीन्स ना बाकी है ना बाकी है मीन्स कोई भी काम करना अभी बाकी है राइट इस तरीके से अगर वोज वर्ग के साथ में आ जाएगा तो मीन्स वर्ब में तो ना लग जाएगा और वहां पे भी सेंस आएगी बाकी है यानी कि अभी ये काम करना बाकी सॉरी पास्ट है तो बाकी था राइट अगर हैज टू टू हैव का इसका भी ये मीनिंग हो जाएगा ना बाकी है क्योंकि मैंने बताया है कि दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते इसमें फिर वो बाकी था क्योंकि पास्ट हो जाएगा तो बाकी था हो जाएगा ठीक है जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर तो अगर मैं ये कहूँ सपोज की मैंने तुम्हें कोई काम दिया था और फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने वो काम कर लिया तो तुम कहोगे कि नहीं अभी मैंने काम नहीं किया अभी ये काम करना बाकी है अभी मेरा इस चैप्टर को याद करना बाकी है ठीक है तो जहां पर आप किसी भी काम की पेंडिंग दिखाओगे कि बाकी है अभी ये मूवी मैंने नहीं देखी बस ये मूवी देखनी बाकी है और तो मैंने देख लिया है बस ये वाली मूवी देखनी बाकी है तो जहां पे बाकी की सेंस आएगी यानी कि काम पेंडिंग दिखाया जाएगा तो वहां पे हम यूज़ करेंगे ये टू का कैसे हम यूज करेंगे वो स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए सपोज कि अगर मैं यही कहती हूँ मेरा अभी स्कूल जाना बाकी है या फिर मेरा अभी इस किताब को पढ़ना बाकी है तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे आई एम येट टू आई एम येट टू रीड दिस बुक मींस मैंने कभी एक बुक को पढ़ने की बात की थी और किसी ने जब मुझसे पूछा कि तुमने किताब को पढ़ लिया तो मैंने रिप्लाई किया कि नहीं अभी नहीं पढ़ा मेरा अभी इस किताब को पढ़ना बाकी है आई एम येट टू रीड दिस बुक ठीक है अगर कोई तुमसे ये कहता है कि आ, आ, तुम्हें मैंने काम दिया था कल क्या तुमने काम पूरा कर लिया तो कहेगा नहीं नहीं सारे तो कर लिए बस ये वाला काम करना बाकी है तो आप कैसे यूज करोगे तो आई अगर यूज करो तो आई कर तो लीजिए यू कर लीजिए ंग्लिश मीन्स इसका मतलब क्या अभी तुम्हारा इंग्लिश सीखना बाकी है अगर मैं पास की बात करती हूँ तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई मुझे वहां जाना था मैं सारी जगह तो चलेगा लेकिन अभी मेरा आगरा जाना बाकी था उसके बाद अब सारी जगह में घूम लें बट आगरा जाना बाकी था मैं जा नहीं पाया तो क्या हो जाएगा आई वोज टू आई वोज टू गो टू आगरा मेरा आगरा जाना अभी बाकी था या फिर इसकी जगह पे हम का भी यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से जहां पे हमें बाकी का दिखाना हो कि कोई भी यूज यही रहेगा स्ट्रक्चर यही रहेगा कि इजारा में ही आएगा पास्ट टेंस में वो स्वर आ जाएगा प्रेजेंट में हैज़र भी आ जाएगा और उसके साथ में आएगा टू और ये भी याद रखना कि इसके साथ में टू के बाद तो हमेशा मैंने बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ये ये बात आप अपने मध्य रखेगा यहाँ पे ये यू के यूज को तो जहाँ पे आपको काम को काम पेंडिंग हो और वो काम अभी आपको करना है लेकिन अभी वो बाकी है तो वहां पे जहाँ पे भी बाकी की सेंस आ जाए निकलकर वहां पे आपको यूज करना है ये वाला स्ट्रक्चर छोटा सा कॉन्सेप्ट था होप सारा का सारा समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम ये टू का यूज करेंगे मैंने आपको इजार एम प्लस टू का यूज भी बता दिया साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बबाई टेक केयर स्टे हेल्थ एंड कीप लर्निंग